हेलो भाई, मैं हूं अनूप खान और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई हुंडई की वर्ना का ये एस प्लस वेरिएंट आता है, बेस से एक ऊपर का वेरिएंट है और डीजल के अंदर आता है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 970,100 में आपको प्राइस देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल आपको बेस वेरियंट के अंदर बल्ब आते हैं, इनके हेड प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलेंगे, ना ही आपको फॉग लैंप इसके वेरियंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। ग्रिल की अगर बात करूँ तो आपको काफ़ी यूज ग्रिल देखने को मिलने वाली है। जो इससे जो फेसलिफ्ट वर्जन नहीं था, इससे पहले का जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको छोटी ग्रिल देखने को मिलने वाली, इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल देखने को मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल की लुक की बात करूँ तो आपको इसके अंदर ये 16 इंचेस की स्टील व्हील आते हैं। इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपको अलॉय व्हील लगे, बाकी ये आपको रिम ही देखने को मिलने वाली है। और फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। ORVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हो, फोल्डेबल नहीं कर सकते हो। बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल देखने को मिलने वाले। फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर का देखने को मिल जाएगा। रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, डिस्क ब्रेक नहीं दिए जाते हैं। अगर पीछे चलते हैं, इसके अंदर आपको रियल टेल लैंप दिखा देता हूँ। रियल टेल लैंप का जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलने वाला है। वरना की बैजिंग पीछे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आपको जो टेल लैंप है आपको नॉर्मल ही देखने को मिलने वाले हैं, कुछ LED वगैरह का सेटअप नहीं है। नीचे आपको क्रोम ग्रिल दी गई है, ये काफ़ी अच्छी लगती है, इस पर डार्क क्रोम है। एंड यदि आपको पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा, सेंसर जरूर ओपन कर दिए जाते हैं। रियर में लोगो मिल जाएगा। और बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलने वाला है इसके अंदर। इसको आप यहाँ से एंटर नहीं कर सकते, आपको या तो की से ओपन करना होगा या आपको गाड़ी के आगे से ही ऑन करना होगा। और ऊपर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर आपको हाईएस्ट माउंटेन लैंप वगैरह देखने को मिल जाएगा। पीछे से आप इसको ऑन नहीं कर सकते, आपको गाड़ी के अंदर ही एंट्री करनी पड़ेगी। रियर के अंदर आपको सारा एंटीना देखने को मिलने वाला है। और अब चलते हैं आपको पैसेंजर साइड, यहाँ पर पीछे का जो डोर है वो आपको दिखाने वाला हूँ कि डोर पर आप देख सकते हो आपको डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ में क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ पार्ट को सॉफ्ट किया गया, बाकी आपको हार्ड मटेरियल देखने को मिलने वाला है। नीचे आपको बोतल होल्डर और एक स्पीकर की प्लेसमेंट की गई है। चलिए यहाँ पर गाड़ी में बैठ जाते हैं और आपको कंफर्ट दिखाने वाला हूँ। सीट आपको इसके अंदर फैब्रिक देखने को मिलने वाली, लेदर सीटें नहीं आती हैं इस वेरिएंट के अंदर। रियर के अंदर आप देख सकते हो आपको आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलने वाला है 2 कप होल्डर के साथ में, लेकिन हेडरेस्ट आपको स्टेबल मिलेंगे, यानी कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ये मिल जाते हैं और लाइट भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्पेस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। उसके हिसाब से आपको जो सेडान है जिसके लिए जानी जाती है कम्फर्ट के लिए, उसके लिए बिल्कुल मिलता है इसके अंदर। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर, AC वेंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल आप पीछे से आप गाड़ी की लुक चेकआउट कर सकते हो। इंटीरियर डैशबोर्ड की आपको पीछे आप अगर बैठते हो तो आपको जो डिज़ाइन है या गाड़ी की जो फिनिशिंग है वो एक नंबर की है। हुंडई की जो गाड़ियों की जो टच फिनिशिंग वगैरह होती है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। चलिए ड्राइवर साइड चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर इसके अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि बेस वेरिएंट से ऊपर का ही एक वेरिएंट है। यहाँ पर भी आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ORVM का कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्डेबल नहीं कर सकते। फ्रंट जो आपको ड्राइवर सोर्ड की जो विंडो है वो आपको 1 टच देखने को मिलने वाली है। गाड़ी में बैठ जाते हैं, यहाँ पर आपको मैं इसका स्टीयरिंग व्हील वगैरह के सारे फीचर अब देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर का एक ऑप्शन मिलता है, बाकी आपको डमी पीस मिलेंगे। की दिखाऊं तो मैं आपको की आपको इसके अंदर कुछ तरीके देखने को मिलने वाली है, फिलिप की देखने को मिलने, जिसके अंदर लॉक अनलॉक और एक बूट को ओपन करने के लिए यहीं से आप बूट को ओपन कर सकते हो। चलिए और यहाँ पर AC वेंट वगैरह का डिज़ाइन देख सकते हो। स्टीयरिंग व्हील वगैरह आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलने वाला है। यदि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करो तो इसके अंदर आपको काफ़ी मैसिव 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह के सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। MID आपको इस तरह की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको इस तरह स्पीडोमीटर वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको MID के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, इस तरफ आपको कुछ MID के और एक तरफ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर दिया जाएगा, लेकिन कोई लाइटिंग वगैरह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल की बात करो तो ये भी आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलने वाली है। और दूसरी तरफ आप पैसेंजर साइड की बात करते हो तो वहाँ पर भी आपको कोई लाइटिंग वगैरह नहीं मिलेगी। डे नाइट IRVM मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑटो नहीं, मैनुअल हाथ से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर AC वेंट का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का आपको किया गया है। और नीचे यदि आप आते इसके सारे आपको कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं, वॉल्यूम अप वगैरह के। एंड यहाँ पर आपको AC वेंट हैं वो भी आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आते हैं। नीचे अगर बात करूँ तो मैं कूल्ड इसके अंदर ग्लव बॉक्स नहीं है, ग्लव बॉक्स कूल्ड आता है और आपको ज़्यादा मैसिव बूट नहीं मिलेगा, आपको छोटा सा ही ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड की आप लुक चेकआउट कर सकते हो। अगर सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप सेंटर कंसोल में देख सकते हो आपको इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही गाड़ी आती है, लेकिन आपको गियर नॉब आपको नॉर्मल
नॉर्मल ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलने वाले 2 कप होल्डर के साथ में, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, उसको आप स्लाइड भी कर सकते हो। एसी की बात करूँ तो आपको मैनुअल एसी आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लू लाइट जल रही है एसी इवेंट के अंदर वो काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली। स्टेयरिंग की बात करूँ तो आप इसको टिल्ड कर सकते हो, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते स्टेयरिंग व्हील को। एंड यदि आप इस गाड़ी की बात करते हैं, इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन आता है। ये आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp की एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गियर नॉब के चारों ओर आपको लेदर फिनिशिंग दी गई है। एंड यहाँ पर आपको सीट अगर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखते हो फैब्रिक सीटें देखने को मिलने वाली, जिनका कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा ही घटिया क्वालिटी का, अगर बेस वेरियंट है तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो सीट हैं। फ्रंट के अंदर आपको आपको हाइट एडजस्टेबल वो भी मिल जाएगा, हेडरेस्ट भी। एंड यहाँ पर आपको ओवर कंट्रोल मिल जाएंगे लाइट्स के, और एक तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। MID के अंदर आप देख सकते हो एक तरफ स्पीडोमीटर, एक तरफ आपको आरपीएम मीटर, छोटी सी आपको एक MID और देखने को मिलने वाली है इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स के देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।